कल की बैठक के बारे में अब क्या कहेंगे? कल जो बैठक हुई विपक्षी एकता की, उसमें विपक्षी एकता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था उसके संयोजक नीतीश कुमार जी को बनाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश के जो गठबंधन के नेता पटना में आए हुए थे और ये नेतृत्व जो है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे और एकता सबको बुलाएंगे, यहाँ सभी विपक्ष के नेता को अपने यहाँ और अपने आवास पर ही माने मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने एक बैठक भी कराया और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी भी नीतीश कुमार के लिए। तो अगर पूरे भारत के जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो संयोगी अगर बनाया है नीतीश कुमार के, तो मैं उन लोगों के भारत के सभी विपक्ष के सभी नेता को मैं स्वागत करता हूँ। बिहार वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छी सोच है। और वो जो बात निकल के आया है बैठक में, मैंने ममता जी का भी भाषण सुना, राहुल गांधी का भी सुना, हमने कश्मीर के जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहब आई हुई थी और भी कश्मीर के, उन लोगों की सभी की एक ही मनसा है, एक ही इरादा है कि बीजेपी को 2024 में हटाना है और हम लोग सभी गठबंधन को एक होकर के और हम लोगों को 2024 में चुनाव लड़ना है। तो ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होगा 2024 का, ये दिखा देगा कि विपक्ष में ताकत है और भारत के वोटर में ताकत है और भारत के नागरिकों में ताकत है कि जब जब देश को कोई बर्बाद करना चाहा है तो भारत के लोग जागते हैं, उबाल आता है और वो अपना सत्ता फिर से हासिल करता है और जो गलत सत्ता पर बैठे हुए हैं उसको भारत की जनता अगर उखाड़ फेंकेगी। लेकिन गठबंधन का एकता बहुत मजबूत बना है, ये मैं इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। AIMIM कहती है कि अधूरा गठबंधन है इसलिए क्योंकि आंध्रा के लोग नहीं आए, तेलंगाना से नहीं आए, उड़ीसा से नहीं आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग अभी देख रहे हैं कि जो इतना 15 देश के 15 जो गठबंधन एक हुए हैं तो इन लोगों का मिजाज क्या है, और जैसी देखेगा कि 15 का गठबंधन हो गया है तो जो सेकुलर है माइंड जो बीजेपी को हटाना चाहता है वो तो गठबंधन में आएंगे ही। और इसमें ममता बनर्जी ने एक बात बड़ा अच्छा बोला है कि स्वार्थ हटा दीजिए, अहंकार हटा देंगे तब भी बीजेपी को हटा पाएंगे। तो इस वक्त मकसद है देश को बचाना, संविधान को बचाना और देश में जो हिंदू मुसलमान का एकता के अल्पसंख्यकों का जो एकता को खत्म करना है उसको बचाना है। इसके लिए तो सबको एक होना ही होगा और ये एक होगा। और मैं कहता हूं कि संयोजक की नहीं, बिहार की जनता चाहती है कि अगर विपक्ष का कोई गठबंधन का प्रधानमंत्री बने तो वो है नीतीश कुमार और वही मोदी को शिकस्त भी कर देगा। अब गद्दी से मेरा नीतीश कुमार ही हटा देगा। AIMIM आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार उन्हीं के साथ जो है काफी दिनों तक रहे और उन्हीं की बोलचाल की भाषा बोलते हैं, इस पर क्या? तो साथ है तो वो मजबूरी था और रह करके भी बीजेपी का बात नहीं मानते थे, बीजेपी का एक तो योजना पास नहीं करते थे, उसका जो योजना रहता उसका समर्थन नहीं करते थे। अब उनको एक ही मकसद है, देश के प्रति उनका दिमाग है, संविधान को बचाने के लिए दिमाग आया है, हिंदू मुसलमान के एकता को बचाने के लिए दिमाग आया है। इतनी ईमानदारी से मेरा नीतीश कुमार ये गठबंधन को संभालेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटा ही करके माननीय नीतीश कुमार दम लेंगे। अब करुण ईमान ने कहा कि इसमें अकेलियत की कोई भागीदारी नहीं रही, अकेलियत का कोई भी पार्टी लीडर इसमें शामिल नहीं हुआ और ना ही उनको कुर्सी दिया गया मत साझा करने के लिए, क्या कहें? क्या बात है, कश्मीर का 3-4 नेता तो साफ साफ झलक रहा, उनको देखने का नजरिया अलग है, हो सकता है दूसरा चश्मा पहने हुए थे। आपके 4-4 नेता मेरा मुस्लिम का वहां था, कौशल खान वहां अगल बगल मौजूद था, कौशल खान जैसा कितना मुसलमान इन लोग का साथ है। अब मुसलमान पूरे देश के भारत का मुसलमान साथ है कि गठबंधन को ही वोट देगा। अब अगर चाहता है कि मुसलमान का लीडर कोई
ओवैसी है तो ये भूल है, ओवैसी बीजेपी का डीन बन सकता है, मुसलमान का लीडर नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुसलमान के बारे में थोड़ा सा भी ओवैसी को सोचोगा तो अभी भी वो जहां जहां गठबंधन का मजबूत सीट है वहां वहां अपना कैंडिडेट नहीं देगा, जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां सीट दे दे तब हम जाने। वो तो वहां देता है कि जहां मुसलमान का वोट कटे और बीजेपी को बेनिफिट हो, वो तो बीजेपी का है, मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं, मुसलमान की फला के बारे में सोचता है कि मुसलमान परेशान है बीजेपी से, मुसलमान त्राही त्राही है बीजेपी से, मुसलमान हर जगह कूड़ रहा है, पूरा देश कूड़ रहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है, तो वैसी के कान में है ना। तो आप तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि मुसलमान मेरे तरफ आवे और हिंदू चला जाए उधर, तो ऐसे में मुसलमान पूरा समझ गया है, पूरी मुसलमान में सेक्युलरिज्म है और हिंदू मुसलमान का यहाँ एकता है और सारे मुसलमान भारत के वफादार हैं। इसलिए अबर हिंदू मुसलमान सब मिल करके सिख ईसाई 2024 में गठबंधन को हर एमपी को जिता करके दिल्ली में भेजेंगे ताकि नरेंद्र मोदी हटे, अमित शाह हटे और गठबंधन का प्रधानमंत्री बने। ये अबर सोच पूरे भारत के लोगों का ये सोच है। मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान, राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रदेश के महासचिव राजद के।